घरों में जाता है पानी, और जो इसका जो संचालन कक्ष है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पानी गिर रहा है और यहाँ की हालत कैसी है आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला और आप देख रहे हैं द पेन पॉइंटर। सभी हम मौजूद हैं गोपालपुर पंचायत में, जो कि भोरे ब्लॉक के अंतर्गत आता है, गोपालगंज बिहार में। और अभी हम गोपालपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में हैं, और आप ये देख सकते हैं कि यहां पे नल जल योजना के अंतर्गत जो टैंक लगाई गई थी वो फूटी हुई है, और वहाँ से लगातार जो पानी है वो इधर से और पीछे की तरफ से निकल रहा है। हम नज़दीक में जाके देखने का प्रयास करेंगे कि इसकी हालत क्या है। यहाँ के जो लोग हैं जो इसका संचालन करते हैं, जो वार्ड पर सदस्य हैं, उनके परिवार के लोग जो हैं, उन लोगों का क्या कहना है देखते हैं। सर जी, कितनी बार चलाना पड़ता है पानी? पानी दो तीन बार चलाना पड़ता है। दो तीन बार चलाना पड़ता है पानी। कितने दिन से टूटा हुआ है ये? अभी हाल ही हुआ सर, 4-5 महीना हुआ। 4-5 महीने से इसकी ये हालत है। बार बार पानी चलाया जाता है, बार बार इसी प्रकार से पानी निकल के और ये बह जाता है सारा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिजली जो है इसमें लगती है वो बेकार हो रही है, और जो पानी है वो किस तरीके से बेकार हो रहा है आप देख सकते हैं। जीता जागता उदाहरण है ये, देख सकते हैं आप। हम अंदर चलेंगे, पास में चलेंगे और इसका हालत जो है वो देखने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं अभी जो संचालक कक्ष है, संचालन कक्ष है जहाँ से इसको ऑपरेट किया जाता है, उसकी हालत देखिए आप। ये देखिए कैसे पानी चू रहा है, ये देख सकते हैं। जीता जागता उदाहरण है ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये पानी गिर रहा है। लगातार 4-5 महीने से इसकी यही हालत है, जर्जर हालत हो चुकी है। और इस पर इन लोगों का कहना ये भी है कि इसे कर्मचारियों द्वारा जो अधिकारी हैं उनको दिखाया गया, इसकी सूचना उन्हें दी गई, लेकिन वो इसको बनाने के लिए दोबारा इन लोगों ने मना कर दिया है। कितनी बार बनवाया गया इसको? हमारा 2-3 बार बना था इसको, बनाया गया। जो टूटा हुआ हिस्सा है उसको ढकने की कोशिश की गई है, दोबारा टंक नहीं चेंज किया गया है। नहीं, टंकी अभी टंकी फूटा हुआ है, आप देख सकते हैं। वो बोले कि टंकी बदला जाएगा। हाँ, लेकिन बदला नहीं गया। देख सकते हैं आप, 5-6 महीने से इसकी ये हालत है। पानी देख रहे हैं आप किस तरीके से गिर रहा है यहाँ पे, हालत देख सकते हैं आप जी। नाली बना के तीन बाद से कोई कहा भैल आए थी हम घर नहीं हो जा ब्लॉक पर। हाँ। तो टंकी फूटल बा बदले के बाद ठीक है। ये वार्ड सदस्य हैं यहाँ की, एक बात बताइए, इसका जो लिखित कम्प्लेन है आप लोगों ने क्या मुखिया जी के पास किया था? हाँ, मुखिया जी ने क्या जवाब दिया? मुखिया जी कहे जब उसका बोनी। अच्छा, 5-6 महीने से लगातार यही कहा जा रहा है कि बनेगा बनेगा, और यही हालत है इसमें। आप देख सकते हैं किस तरीके से, और कितनी बार चलाना पड़ता है दिन में? दिन में कोई हरी चला लाई। आप देख सकते हैं जब फूटी हुई टंकी है तो इसमें पानी रुकने का कोई सवाल ही नहीं। पेट्रोल पर पानी गिरता है तो वो बोलता है ये हमारे घर में। देख सकते हैं आप, ऊंचाई इसकी इतनी है कि जब इससे पानी गिरता है तो दूसरे लोगों के घरों में जाता है पानी, और जो इसका जो संचालन कक्ष है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पानी गिर रहा है, और यहाँ की हालत कैसी है आप देख सकते हैं। लगातार बोलने के बावजूद भी इसका जो काम है उसको दिन दिया जा रहा है, टाला दिया जा रहा है कि अब इसकी इसको जैसे कि हमने के वार्ड सदस्य हो जाए तो यहाँ के जैसे कि है हमारे घर हो गया पड़ती में बनल बा हो लोहारे के जमीन है, तीनों भीतर भीतर जाके अपन नाम चढ़वा ले हमने के वार्ड सदस्य के कसकारी के कसकारियों में हो तो हमारे चलाते हैं। अभी अभी उसकी बात नहीं कर रहे हम, अभी जिस चीज़ की बात कर रहे हैं अभी देख सकते हैं हम कि जिस तरीके से इसकी हालत है, लगातार मुखिया जी के कहने के बावजूद भी इसको ठीक नहीं किया गया बार बार। हाँ, नहीं कि मुखिया जी कोनो काम कर रहा, मुखिया जी कोई काम नहीं कर रहे इसके लिए। ठीक है, आप लोग मुखिया जी कहा गया, मुखिया जी ने कहा बोला? मुखिया जी कहला माने कितने टाइम लागे कि 3-4 गो बाय अकेला आके बदला जाए। अच्छा, ये समस्या 3-4 जगह पे है? हाँ, 3-4 जगह टंकी फूटी हुई है। हाँ। और पूरा में गोपालपुर में और देवरुआ में दो जगह पे टंकी फूटी हुई है। हाँ। पूरे पंचायत में 4 जगह टंकी फूटी हुई है। यहाँ पे 6 महीने से ये टंकी फूटी हुई है, 5-6 महीने से टंकी फूटी हुई है, लगातार पानी ऐसे ही बह रहा है। बिजली की जो है, बिजली देख सकते हैं आप कि इस मोटर को चलाने में जो बिजली लगती है वो किस तरीके से बर्बाद हो रही है,
जो पानी है आप देख सकते हैं पानी की जो बर्बादी वो किस तरीके से हो रही है लगातार, ये आज की कहानी नहीं है, 4-5 महीने से लगातार यही चीज देखने को मिल रही है यहाँ पे। 6-7 महीना हो गए तो 2-3 बार बनल हो आके दुका सट के चल गई है। देख सकते हैं प्लास्टिक की टंकी है उसको बार बार रिपेयर करने की कोशिश हो रही है, वो बार बार अनसक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन इस पे जो है इसका बदलाव और इसका उच्च जो सही तरीके से इसको बनाना चाहिए वो नहीं बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पानी की और जो बिजली है उसकी बर्बादी किस तरीके से हो रही है। हम भी हम मौजूद हैं गोपालपुर पंचायत में भोरे ब्लॉक गोपालगंज बिहार।